हेलो, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हम एक मॉडर्न एरा में हैं। मॉडर्न एरा में हम मॉडर्न बातें कर रहे हैं। मॉडर्न बातों का मतलब है अब वी आर टॉकिंग अबाउट आज एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेशंस को दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही सिंपल है। दैट इज वेरी सिंपल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। ठीक है, कम्युनिकेशन ये वर्ड क्या है? व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप बाय द कम्युनिकेशन विच इज मेड अप बाय द वर्ड वेर इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द टू पर्सन, द सेंडर एंड रिसीवर, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट मीडियम इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। सी, माई लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, इट शुड बी अ गुड एंड कन्विंसिंग वन कि आपको चीजें समझ में आती हो, आप मेरे बातों को समझ सको, तो दैट इज अ प्रॉपर मीडियम। तो आई से द ऑब्जेक्ट, आई टेक यू टूवर्ड द स्क्रीन। स्क्रीन पे मैं ऑब्जेक्ट को समझाने के पहले स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। स्क्रीन पे देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है एंड वॉट इज गोइंग ऑन ओवर देयर गाइज। ओके, आपको दिख रहा है वर्ड इज देयर ट्रांसमीटर, अ रिसीवर एंड देर इज अ प्रॉपर चैनल बिटवीन देम। ओके, इन्फॉर्मेशन सोर्स, सोर्स से इनकोडर, इनकोडर से चैनल इनकोडर, फिर वो मॉड्यूलेट होगा, वो चैनल को जाएगा, चैनल उसको सेंड करेगा, डीमॉड्यूलेट होगा, डीमॉड्यूलेट डॉट डिटेक्ट होगा, चैनल वन डिटेक्ट करेगा, सोर्स डिकोडर डिकोड करेगा और इन्फॉर्मेशन सिंक हो जाएगी। मतलब अगर मैंने सेंड किया हेलो तो यहाँ पे उस पर्सन को सुनाई देगा हेलो। इट्स नॉट ओनली टू कॉमन कम्युनिकेशन, फोन पे ही बात करने वाला कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी ऑडियो सिग्नल से, कोई भी एवी सिग्नल से। यहाँ से जो जाएगा बेटा वही एवी सिग्नल यहाँ पे दिखेगा। ओके, आई विल टेक यू दैट टू द स्क्रीन। मेरा कहना था व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट मीडियम। आई वॉन्ट टू हैव द गुड हैंड राइटिंग। ओके, द सेंडर एंड रिसीवर, द डेटा एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट मीडियम इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। ओके, द ब्लॉक डायग्राम इज अवेलेबल ओवर हियर वेयर यू ऑल हैव सीन की कोई भी डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। दैट्स वन पार्ट। ओके, विल मूव प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का एक अंदर मैं आपको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन दूँ। द कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू पर्सन और ग्रुप टू अनदर। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग, इट इज एन एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। इट इज अ टू वे। मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मैंने ऐसा टू वे कम्युनिकेशन किया था। तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा उसको, वो इंफॉर्मेशन वो उसको रिटर्न भी सेंड कर सकता है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, दैट इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो सबसे बड़ा मॉड्यूलेशन फॉर्मेट है जिससे हम मैसेजेस को सेंड करते हैं। विल टेक यू टू द बैक बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, जो वेरी फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया था। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल द कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन में इंटेलिजेंस, सिग्नल, डेटा, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, इमोशंस आपके हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, एनीथिंग इज अ इंफॉर्मेशन। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है? ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से सोर्स बन रहा है, सोर्स से ट्रांसमीटर में जाएगा, ट्रांसमीटर से वो एक पर्टिकुलर लिंक को जाएगा, लिंक से रिसीवर को जाएगा, रिसीवर से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ओके, सोर्स कैन बी स्पीच, पिक्चर, वर्ड, कोड, सिंबल, कमांड, डेटा, राइट, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमीटर क्या हो सकता है? ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, फिल्टर्स, एंटेना, ये ट्रांसमिटिंग में हेल्प करेंगे। लिंक कैन बी वायर लिंक और वायरलेस लिंक और ऑप्टिक फाइबर लिंक हम यूज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। रिसीवर
और डेस्टिनेशन के बीच में जो है वो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, फैक्स, इंटरनेट, कैन बी एनीथिंग, ओके, कैन बी एनीथिंग, आपका मोबाइल फोन सब यहाँ पे आ गया। इट्स अ बेसिक कम्युनिकेशन, ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है। देर समझ में आपको यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सारे आपको चीजें क्लियर हो गई जो मेरे ऊपर लिखी हुई है। वेरी गुड। तो द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन याद रखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ट्रांसमीटर, लिंक, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, जो आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन से फॉर्म में जाएंगे। ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट वन रेडियो ब्रॉडकास्ट, उससे अपग्रेड होके लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंड किया थ्रू द टीवी ब्रॉडकास्ट, फिर टेलीफोन करके उन्होंने कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया, फिर टेलीग्राफी यूज करने लगे गाइज, फिर रडार यूज होने लगा, रडार से भी हमने कम्युनिकेशन किया, सोनार सिस्टम यूज होने लगा फॉर द कम्युनिकेशन, फैक्स फैसिलिटी दैट इज अ फैसिमिल टेलीग्राफी जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज अ फैक्स जो उस टाइम पे बेटा यूज हो रहा था, एंड देन ईमेल, टेलीप्रिंटिंग, टेलीमीटरिंग, मोबाइल फोन्स, एंड जब से इंटरनेट आ गया तो वाइड रेंज पे आज आपका कम्युनिकेशन हो गया। इट्स अ वेरी वेरी वाइड रेंज, कैसे भी इंटरनेट से हम किसी से भी जुड़ रहे हैं। इज इट देयर? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, केबल कम्युनिकेशन होगा, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन होगा, टाई वेव कम्युनिकेशन होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन होगा, मेनी ऑफ विच वी आर अवेयर, ओके, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको डिटेल कर सकते हैं, आप डिटेलिंग कर सकते हो। व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन? सो देर इज अ लॉट टू स्टडी, देर इज लॉट टू एक्सप्लेन। इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक रेडियो, रेडियो कब चालू हुआ, रेडियो में आकाशवाणी जैसा चैनल आता था, क्योंकि लोगों को कहाँ से लगता था वो बाहर से आ रहा है, आकाश से ऊपर वाला तो बोल रहा है, इसलिए उसने उनको आकाशवाणी नाम दिया, AM/FM हुआ बाद में, और अच्छे से इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए AV लगा, फिर टेलीफोन आ गया कि आप ऑडियो विजुअल सिग्नल्स के बाद आप आपका वॉइस सुन सेंड कर सकते हो, सेम टाइम पे आपको उसका रिस्पॉन्ड मिल सकता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्टार्टेड टू वॉक ऑन, ओके। फाइनली इंटरनेट आया तो आज तो कम्युनिकेशन बूम पे है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा मीडियम है आज, हर चीज कम्युनिकेशन पे। क्वेश्चन आया, डाउट आया, एक क्लिक किया, सर अवेलेबल है, क्वेश्चन है, डाउट है, एक मैसेज किया, मैसेज पे अवेलेबल है, तो ये सब पहले पॉसिबल नहीं था, पहले डीप थिंकिंग ज्यादा हो रही थी कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा, तो द स्टूडेंट वॉज लाइक मोर इंटरेस्टेड। अब इसका आंसर क्या होगा तो गूगल बाबा से पूछ लो, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, नहीं तो सर से पूछेंगे कि सर हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू राइट इन द बोर्ड एग्जाम, बेटा राइट इन योर कॉमन एग्जाम, वो हम ही बताएंगे, तो आप टीचर्स का वेट करते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ थिंग। मीनिंग केबल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन सर, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन के बेटा पार्ट है, बराबर। ऑप्टिक फाइबर इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ये भी एक पार्ट है। नाउ एनालॉगस सिग्नल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स आपको बताना कि अ कंटिन्यूअस सिग्नल, सी विच इट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में वगैरह में भी मैंने ये कवर किया है, फिर भी अ कंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू विच इज एट इंस्टेंट लाइज विद इन अ रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू विच अपीयर्स इन स्टेप्स इन प्री डिटरमाइंड लेवल्स रादर देन हैविंग अ कंटिन्यूअस चेन, दैट इज देख लो एनालॉगस सिग्नल्स बेटा कुछ ऐसा होता है, टाइम के साथ उसका एंगल चेंज होता है, एंड इट विल बी लाइक दिस, ओके, ई एन आई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई एन आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन डिसकंटिन्यूअस सिग्नल कुछ ऐसा होता है बेटा, है ना, फुल सिग्नल अदरवाइज जीरो, फुल सिग्नल एंड जीरो, फुल सिग्नल एंड जीरो, ये तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, फेज चेंजेस आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन एनालॉगस सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ये दो सिग्नल्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन नाम है, ये वर्ड सुना है, ठीक है, ये मॉड्यूलेशन आपके ए एम का एम है, आपके एफ एम का एम है, ओके, ए एम का वो एम है, दैट इज अ मॉड्यूलेशन, एफ एम का एम है, ए इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफ इज frequency modulation, now the phase modulation is also there, okay, so we all have these small small topic and the concept which we are going to cover over here, okay, so without getting much delay,
Modulation is the process of variation of some characteristics of a high frequency wave, carrier wave, in accordance with the instantaneous value of modulating signal. Okay, variation of some characteristic of high frequency wave. ठीक है, उसके साथ modulating signals को add कर देना, changes लाना ही क्या होता है modulation. कौन करेगा? Obviously modulator करेगा. This is modulator. क्या कर रहे हैं देखो, उसको AF signal मिला, उसने उसको मॉड्यूलेट किया. एच एफ सिग्नल ऑब्वियसली ऑसिलेटर इज कनेक्टेड, तो ये देखो हमको एम्पलीट्यूड इसका, इस सिग्नल का हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दिया, राइट? एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल बन गया एंड विच कैन बी सेंड. टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन ऑब्वियसली AM, FM एंड PM, राइट? पल्स मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ अ थिंग ओवर देयर. फेज मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो यूज, तो इसलिए PM आप दोनों जगह के लिए यूज मत करो, आप PHM करो और PM करो. तो that depends, आपको चार टाइप के modulations पता है guys. Amplitude modulation में मैंने दिखाया amplitude ही modulate होगा. What is an amplitude? अभी भी बहुत जनों को नहीं समझा होगा. तो देखो बेटा, ये है इसका amplitude, इसको मुझे modulate कर देना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक signal बना सकता हूँ इसी time period में. और देखो इसी को लेके क्या दिख रहा है आपको, ये सिग्नल अब ऐसा कुछ बन गया. ठीक है, ये छोटा सा सिग्नल मैंने क्या किया, उसका टाइम पीरियड नहीं चेंज किया, उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया. लॉन्ग रेंज वेव बना दिया बेटा मैंने उसको. इज इट ओके? नाउ ईएम, ठीक है, तो इट इज अ आप मैग्नेटिक ईएमएफ, आप उसका ईएम इनटू साइन ओमेगा टी से फाइंड आउट करेंगे. ईसी इज इक्वल टू ईसी साइन ओमेगा टी. Then E is equal to EC plus EM sin omega t into sin omega t. Obviously, दोनों अलग अलग हैं, तो can be written totally as EC sin omega t plus C plus MAEC by 2 cos omega C minus omega M into t minus MAEC by 2 cos of omega t plus omega M into t. है ना, sin के पास दो ये values हैं, आप इसको multiply करोगे तो आपको sin दो बार जब use करोगे तो आप बाकी formulas में उसको क्या कर सकते हो, आप एनलार्ज कर सकते हो. दैट इज अ वन पार्ट. मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज के ऑफ ए ई ऑफ एम बाई ई सी, वेर के ऑफ ए इज कॉन्स्टेंट फॉर एम्पलीट्यूड. इफ के ऑफ ए इज वन देन एम ए विल बी ई एम बाई ई सी, राइट? कैरियर सिग्नल यू कैन सी एन आउटपुट. इन्फ्रेंस फ्रॉम इक्वेशन फॉर ई क्या मिला मुझे, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग wave is summation of three sinusoidal wave with the frequency vc dash vc minus vm and vc plus vm, namely original frequency, lower side band frequency, upper side band frequency respectively. The bandwidth of required for am bw is equal to 2, bandwidth we are talking about, 2 of v of m, that is the frequency of m. The amplitude EC of the unmodulated carrier wave is made proportional to the instantaneous voltage, that is EM, EM sin omega, M of T of the modulating wave. So frequency kya ho jayega and voltage output ke beech mein agar maine graph draw kiya, to it could be like this. Okay, VC, C minus M and VC plus M, right? अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड अगेंस्ट मैंने जब फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ किया तो एक होगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इससे कम आएगा तो वी सी माइनस एम, इससे ज़्यादा होगा कोई फ्रीक्वेंसी तो वी सी प्लस वी एम होगा. सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ई अगेंस्ट, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया मॉड्यूलेशन हुआ बेटा, फ्रिक्वेंसी इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिख रहा है आपको. ई सी दैट इज एम ऑफ ए ई सी इज इक्वल टू के ऑफ ए इंटू ई एम, मैक्स का वैल्यू हो गया. एट द बॉटम ई मिनिमम हो गया, ई मैक्स इज इक्वल टू ई सी प्लस एम ए ई सी. ई मिनिमम विल बी व्हाट, ई सी माइनस एम ए ऑफ ई सी, इज इट देयर? ऑन मैनिपुलेटिंग वी गेट एम ऑफ ए विल बी ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिनिमम एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, तो मॉड्यूलेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको मिल गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. Now we'll draw the diagram. ये है आपका AF signal. आपने उसको क्या किया, MA is equal to 0, modulation अगर नहीं किया तो
जब आपने मॉड्यूलेशन किया तो इट इज 0.5 और 50% ऑफ दिस. ओके, हियर MA इज इक्वल टू 1 और 100%, है ना. फ्रीक्वेंसी को हमने एकदम टोटली बाउंड कर दिया और टोटली मॉड्यूलेट कर दिया. MA इज इक्वल टू 1 और 100%, ये केस में मोर देन 1 है. MA इज ग्रेटर देन 100%, करेक्ट. जनरली इट रेंजेस इन बिटवीन 0 to 1, दैट इज इन बिटवीन दिस टू दिस. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है जनरली इनके बीच में ही होता है. ये सिग्नल ब्रेक कर रहा है तो ये ब्रेकिंग वाला नहीं होता है गाइज. ओके, इज इट क्लियर? आपको कुछ समझा नहीं तो मीनिंग विल आस्क कि सर हमको जो डाउट था वो कुछ पीछे रह गया. तो यस आई नो, वो आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है बेटा. यू विल गेट दैट फाइनल आंसर. पावर रिलेशन इन द एएम वेव क्या होगा? अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पावर रिलेशन क्या होगा? इफ मॉड्यूलेटेड वेव इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर से एंटेना सर्किट, देन आरएमएस रूट मीन स्क्वायर पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हीट इज गिवन बाय पावर ऑफ आरएमएस 1/r ईसी बाय 2√2 का स्क्वायर प्लस एमएईसी अपॉन 2√2 का स्क्वायर प्लस एमएईसी बाय 2√2 का स्क्वायर. ओके, दैट इज अ वन फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट. रूट मीन स्क्वायर पावर का इसी स्क्वायर, इसको आपने रिसॉल्व किया तो इसी स्क्वायर बाय 2 आर इज कॉमन, सो यू विल गेट 1 प्लस एमए स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू पीसी पावर ऑफ दैट कैरियर वेव 1 प्लस एमए स्क्वायर बाय 2, दैट इज वेयर पीसी इज अ पावर डिसिपेटेड ऑब्वियसली इन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव. Then MA is equal to 1. If MA is equal to 1, then PM RMS will be Pmax over here. Pmax will be 3PC by 2. Right? आप अगर ये value यहाँ पे substitute कर देंगे, तो you will get Pmax is equal to 3PC by 2. Similarly, power carried by both the side, if P of SB and P of RMS by 3, which is wasted. Okay? अगर पावर कैरिड बाई बोथ दिस साइड बैंड्स, अगर दोनों भी साइड बैंड्स यूज कर रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ पावर. क्लियर? इन दैट प्रेसिपिटेशन एडवांटेजेस, एएम इज एन इजियर मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्पीच सिग्नल्स, इट रिक्वायर्स सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रिसीवर्स एफएम में क्योंकि ज्यादा लगता है, इट इज अ फेयरली एफिशियंट सिस्टम ऑफ मॉड्यूलेशन एंड देर आर मेनी ड्रॉबैक्स, फेयरली इफेक्टिव सिस्टम. ड्रॉबैक क्या है? एएम इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम नॉइज, यस उसमें नॉइज के एंटर होने का बहुत ज्यादा चांसेस है. एप्रिशिएबल एनर्जी इज कंटेन्ड बाय 3 कंपोनेंट्स ऑफ एएम वेव, सफिशिएंट एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय द सप्रेसिंग कैरियर वेव एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स, दिस प्रोसेस मेक्स इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट ऑफ सच ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स बिकम्स प्रैक्टिकली मोर, दैट इज ऑल विद अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये है कम्युनिकेशन का एक स्वरूप. हमको आगे क्या पढ़ना है? हमको आपको एएम पढ़ लिया, एफएम पढ़ना है, देन पीएम पढ़ना है, करेक्ट. तो वो सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है. होप सो ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, आप आपके टेक्स्ट बुक से मैच कर रहे हैं, एंड आफ्टर मैचिंग इट गो फॉर रेस्ट टॉपिक्स. टिल देन थैंक्स एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट वन.